ओ जी दोस्तों, किदा सब ठीक ठाक। तो आपको पता है जो मी यूआई है वो आईओएस की जो है कॉपी कहीं ना कहीं से जो है कुछ ना कुछ कर ही देता है। अगर आपने आईओएस कभी यूज़ किया है या देखा है कभी, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आईओएस में ऐसे जो है वो आपके आइकॉन्स होते हैं, जब पेजेस ख़त्म हो जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपको ऐप लाइब्रेरी देखने को मिलती है। यहाँ पर सारे फोल्डर होते हैं, यहीं से आप टैप करके जो अपने सारे ऐप्स को जो है एक्सेस कर पाते हैं। तो शोमी भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, बट आपको यहाँ पर साइड में ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आपकी नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, आपको सारी ऐप्स आप सर्च भी कर सकते हैं इस प्रकार से जो भी आपने करनी है, और आपको यहाँ पर आप देखेंगे सारे आइकॉन मिल जाते हैं सारी ऐप्स। तो यहीं से आप टैप करके आप देखेंगे यार, आप यहाँ पर iOS है और ये जो है वो MIUI 14 है इंडिया का। आप देखेंगे काफ़ी सिमिलर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर जाकर मैं डार्क मोड ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे डार्क मोड कुछ ऐसा हो जाता है। तो काफ़ी सिमिलर हो जाता है ये, थोड़ा सा देख सकते हैं जो भी है। तो देखने में यार ये काफ़ी अच्छा लगता है, और सारी आप एप्लीकेशन जो है यहीं से आप जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पर जाकर आप जो है आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलता ही मिलता है, तो यहां पर आप जो है वो सेटिंग्स में जाकर, और अगर आप यहां पर होम स्क्रीन में जाते हैं तो आपको मिल जाता है यहां पर स्वाइप डाउन होम। तो अगर आप नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर लगा देते हैं तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है। अगर आप यहां पर ये जो है वो सर्च कर देते हैं तो आपको सर्च मिलती है, और साथ में सभी जो है वो ऐप लाइब्रेरी जो iOS में देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, आप देखेंगे यार काफ़ी ज़्यादा जो है सिमिलर है। डिपेंडिंग ऑन योर फ़ोन, तो मी सिस्टम लॉन्चर की नई अपडेट आई है जिसमें ये फीचर जो है वो आया है। आपको आगे जाकर जो है MIUI 14 में या MIUI 15 में ये देखने को मिलेगा, बट अभी आप अपने डिवाइस में ये ला सकते हैं छोटे से ट्रिक के साथ। आपको कोई TWRP की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको बस इंडिया का रोम यूज़ करते होने चाहिए, इंडिया का ऑफिशियल। आप देख सकते हैं ये मेरा 12 प्रो है और ये सिस्टम लॉन्चर है ऑफिशियल MIUI का रोम। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ आप ये कैसे अपने डिवाइस में ये वाली जो है ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो APK होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला APK सिस्टम लॉन्चर का। ये पोको के लिए नहीं है, सिर्फ रेडमी एंड शोमी के डिवाइसेस के लिए है। तो यहाँ पर ये वाला होगा, तो आपने इसे जो है वो अपडेट कर लेना है। ग्रुप में मेरे मिल जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई वायरस वायरस नहीं है, ऑफिशियल लॉन्चर है, कोई लोचा आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखें हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आपने रीजन एक बार जो है वो चेंज करना है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे रीजन आएगा, तो अभी मेरा इंडिया है, तो मैंने जो है यहाँ पर इंडोनेशिया कर देना है। इंडोनेशिया एक बार इंडोनेशिया कर दीजिए यहाँ पर। तो अभी आपने इंडोनेशिया कर दिया, तो यहाँ से एग्जिट हो जाइए फुली। तो यहाँ पर जाकर आपने पूरा जो है यहाँ से क्लियर कर देना है, और अब आप यहाँ पर जाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये जो है सारी मिल जाती हैं, जो बिल्कुल iOS जैसा ही लगता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल जो है वो iOS जैसा ही बना दिया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे है ट्रांसपेरेंट सा है, तो ये जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा वाइट है, तो बिल्कुल सेम ही लगता है। तो अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है तो बस आपने फिर से एक बार रीजन में अब जाना है, रीजन में चले जाइए एक बार फिर से, और यहाँ पर इंडिया कर दीजिए। तो यहाँ पर इंडिया कर दीजिए, तो बस इंडिया कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो वापस आपने इंडिया पे ही आ जाना है। तो अब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको अभी भी यहाँ पर ये सब जो है वो देखने को मिलता रहेगा। बट अगर आप इसकी आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बस सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आकर मैनेज ऐप्स में आइए, और यहाँ पर आपने जो है शो ऑल ऐप्स कर दीजिए, उसके बाद जो है वो सिस्टम लॉन्चर ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर तो इसे अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दीजिए, तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये ऐसे जो है आप ला सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है, आसान है, कर लीजिए, थोड़ा सा जो है वो लेआउट जो है अच्छी मिल जाएगी आपको। तो ये आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।